स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं ये हमारे पास 12.1B है। 12.1B एक इनकम समरी से रिलेटेड और कैपिटल स्टॉक और इक्विटी से रिलेटेड मिक्स सा टॉपिक है ये, क्योंकि बहुत सारे इससे पहले आपने टॉपिक डिस्कस किए हैं जिसमें आपके पास क्लोजिंग एंट्रीज है, एडजस्टिंग एंट्रीज है, इनकम समरी की प्रिपरेशन है, तो ये उससे रिजेंबलेंस वाला है। इसमें आपके पास इनकम समरी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाएगी और उसके मुताबिक उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। किस तरह इसको हम लोग रीड करते हैं और परफॉर्म करते हैं। पैसिफिक एयरलाइन ऑपरेट बोथ एन एयरलाइन एंड सेवरल रेंटल कार ऑपरेशंस लोकेटेड नियर एयरपोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर जस्ट एंडेड ऑल द रेंटल कार ऑपरेशंस वर डिसकंटिन्यूड एंड द फॉलोइंग ऑपरेटिंग रिजल्ट वर रिपोर्टेड। कंटिन्यू ऑपरेशन सेल और कंटिन्यू ऑपरेशन की कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, अदर डेटा ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम द रेंटल कार रेंटल गेन ऑन सेल ऑफ रेंटल कार इन नेट ऑफ इनकम टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस रिजल्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एयरलाइन टेरिटरी। पैसिफिक एयरलाइन हैड 4 मिलियन शेयर ऑफ कैपिटल स्टॉक आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर। इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर, हमें बनाना है कंडेंस्ड अज़ा के ऊपर इनकम स्टेटमेंट, ये वाली इनकम स्टेटमेंट इंक्लूडिंग प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यू रेंटल कार ऑपरेशन। वो कहता है कि ये जो रेंटल कार ऑपरेशन है ये हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है, इसको हम लोग इंक्लूड करते हुए यहाँ पे चीज़ें प्रिपेयर करेंगे इंक्लूडिंग रेंटल कार ऑपरेशन एंड दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस, और साथ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस भी इंक्लूड ऑल एप्रोप्रिएट अर्निंग पर शेयर फिगर, हमें इसमें मुनासब अर्निंग पर शेयर भी कैलकुलेट करना है। बी अज्यूम डैट यू एक्सपेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द पैसिफिक एयरलाइन ऑपरेशन टू डिक्लाइन 10% ऑफ द नेक्स्ट ईयर, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द रेंटल कार ऑपरेट टू डिक्लाइन 10%, व्हाट विल बी द एस्टिमेट ऑफ कंपनीज नेट ऑपरेटिंग अर्निंग पर शेयर। इस बी पॉइंट को भी रहने देते हैं, ए पॉइंट की तरफ आते हैं कि हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट में डेटा आपके पास कंटिन्यू सेगमेंट, इनकम स्टेटमेंट में डेटा डिसकंटिन्यू सेगमेंट, और फिर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट। ये स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि जी इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। ये एक इजी क्वेश्चन है जिसमें हम लोग इनकम समरी से मुतलका प्रेजेंटेशन को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम एज़ यूजुअल आपने क्वेश्चन का नंबर लिखना है, आपने यहाँ पर लिख देना है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है टू क्वेश्चन नंबर, बल्कि आप यहाँ पे लिखें प्रॉब्लम नंबर 12.1B। सबसे पहले कंपनी का नाम पैसिफिक एयरलाइन, कंपनी का नाम है जी पैसिफिक एयरलाइन, और आप बना रहे हैं इनकम समरी। कब की बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडिंग, जो एंडिंग डेट क्वेश्चन में मेंशन करेगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। फर्स्ट सेगमेंट कंटिन्यू सेगमेंट, फर्स्ट सेगमेंट वो हिस्सा होगा जो हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन ने कंटिन्यू रखा, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है कि जो रेंटल कार वाला पोर्शन है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अच्छा जी, कंटिन्यू सेगमेंट में से आपके पास पहला टाइटल है जी नेट सेल, नेट सेल की अमाउंट है आपके पास 4,614,000। इसमें से आप लेस कर देंगे कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस को, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस में से 5,398,000 लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा जी इनकम फ्रॉम कंटिन्यू सेगमेंट। इसको हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके अमाउंट देख लेते हैं कि ये कितनी आती है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने से हमारे पास इसकी अमाउंट आ रही है 7,460,000। अच्छा जी, देन आपके पास आएगा डिसकंटिन्यू सेगमेंट, डिसकंटिन्यू सेगमेंट, डिसकंटिन्यू सेगमेंट में
एक आपके पास पोर्शन आएगा जो ऑपरेटिंग इनकम आपको आई रेंटल कार से, आप यहाँ पे लिख देना ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम कार सेगमेंट, ये है 6,70,000। दूसरा पॉइंट है गेन ऑन सेल ऑफ कार रेंटल, गेन की अमाउंट है 4,330, इसमें 6,70,000 हम ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट गेन इसमें से आ जाएगा जो कि 5,000,000 का होगा। एक और दो, इन दोनों पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं तो हमारे पास इनकम बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाएगी, इनकम बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से पहले की इनकम। अच्छा जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से पहले की इनकम, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, और डिफरेंस लेने से हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1,246,000। अच्छा जी बच्चों, ये हमारे पास, सॉरी ये 5,000,000 नहीं है, अच्छा जी 5,000,000 नहीं है, 5 के साथ 6 times 0। अच्छा जी, अब हम लेस कर देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन को। अच्छा जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस की अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है 3,124 times 0, इसमें से इसको डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है नेट इनकम। नेट इनकम की हमारे पास अमाउंट है, अगर इसको डिडक्ट कर दें तो डिडक्ट करने से हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 9,340,000। इसने रिक्वायर्ड किया था कि इस इनकम समरी के साथ आप अलग से कैलकुलेट करके दें हमें किस चीज़ को, ईपीएस को। ईपीएस स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का जो बेसिक फार्मूला होता है वो है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक। हमारे पास क्वेश्चन में जितने सेगमेंट होंगे प्रेजेंटेशन करते हुए हम उतनी चीज़ों को अरेंज करेंगे, एक कंटिन्यू सेगमेंट, एक डिसकंटिन्यू सेगमेंट और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एलिमेंट। बात करते हैं कंटिन्यू सेगमेंट की। सबसे पहले हमें कंटिन्यू सेगमेंट से जो इनकम आई, यहाँ पे आपने लिख लेना है ईपीएस कंटिन्यू सेगमेंट 7,460,000 माइनस कर दें आप इसमें से प्रेफर्ड डिविडेंड। इस क्वेश्चन में प्रेफर्ड स्टॉक मौजूद ही नहीं है, प्रेफर्ड डिविडेंड है ही नहीं, वो ज़ीरो है। आप इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक जो कि 4,000,000 है, सॉल्व करेंगे तो 1.87। देन आपके पास आएगा ईपीएस फ्रॉम डिसकंटिन्यू सेगमेंट। डिसकंटिन्यू सेगमेंट से हमें गेन हुआ 5,000,000 का, प्रेफर्ड डिविडेंड है ही नहीं, डिवाइड कर दें 4,000,000 पे, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1.25। दोनों को आप ऐड कर लें, ऐड करने से वैल्यू आएगी 3.12। ये आपके पास आ जाएगा ईपीएस बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, ये अमाउंट है 1,246,000 माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय 4,000,000, सॉल्व करेंगे तो सेम यही अमाउंट आएगी। अच्छा जी, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे उस ईपीएस को जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस से आएगा, 3,12,000 डिवाइडेड बाय 4,000,000। इसको भी उसी नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर डिवाइड करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे
सॉल्व करने से आपके पास अमाउंट आएगी 0.78, इसको आप डिडक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ईपीएस फ्रॉम नेट इनकम। दोनों का आप डिफरेंस लेते हैं तो 2.34। यहाँ तक आपकी थी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। मैं रिपीट कर देता हूँ, हम लोगों ने कंडेंस इनकम समरी बनाना था मुख्तलिफ अजज़ा पे। जो इनकम समरी है उसमें पहला सेक्शन डिसकंटिन्यू, दूसरा डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब जारी रहा, डिसकंटिन्यू का मतलब ख़त्म हो गया। तीसरा सेगमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एलिमेंट का, हमने माइनस किया तो नेट इनकम आ गई, नेट इनकम और फिर ईपीएस की प्रेजेंटेशन, जितने सेगमेंट यहाँ पे उतने ईपीएस यहाँ पे, ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यू पोर्शन, ईपीएस फ्रॉम डिसकंटिन्यू पोर्शन, इनकम बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो ईपीएस बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लास्ट तो ईपीएस फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, नेट इनकम तो ये नेट इनकम। ले स्टूडेंट, ये आपके पास था फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, बी पॉइंट की। बी पॉइंट एक दफ़ा दोबारा रीड करते हैं ताकि हमें इससे अंडरस्टैंडिंग हो। अज्यूम डैट यू एक्सपेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द पैसिफिक एयरलाइन ऑपरेशन टू डिक्लाइन द 10% नेक्स्ट ईयर एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द रेंटल कार डिक्लाइन बाय द 10%। वो कहता है कि पैसिफिक रिम, ये जो कंपनी है, ये जो कंटिन्यू सेगमेंट है, ये 10% प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन कर रहा है, और साथ में वो कहता है कार वाले भी जो हैं वो भी 10% प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन कर रहे हैं, तो आप बताएं कि नेक्स्ट ईयर हमारा इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, हमारा एस्टिमेटेड अर्निंग पर शेयर क्या होगा। व्हाट इज़ योर एस्टिमेटेड कंपनी नेट अर्निंग पर शेयर। देखें बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन में नेक्स्ट ईयर ना तो डिसकंटिन्यू सेगमेंट होगा और ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट होगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू सेगमेंट होगा, और जो कंटिन्यू सेगमेंट से ईपीएस है वो 1.87 है। हम जस्ट इसका 90% लेंगे, 90% लेने की वजह ये है कि इसका 10% तो डिक्लाइन हो रहा है, तो जो बाकी बचेगा वो 90% है। अगर हम इसका 90% लें तो हमारे पास सॉल्व होके अमाउंट आती है 1.68। तो हम इसको नाम दे देंगे कि ये हमारे पास एक्सपेक्टेड, ये हमारे पास कमिंग, ये हमारे पास नेक्स्ट ईयर का ईपीएस आ जाएगा। ले स्टूडेंट, ये आपके पास था प्रॉब्लम नंबर 12.1B। इंशाल्लाह हाज़र होंगे हम एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसको सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें उन तमाम स्टूडेंट तक जो डायरेक्टली तौर पर हम तक एक्सेस नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।